और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव का एजेंडा सेट होता दिखाई दे रहा है। एसपी ने एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला बोला है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर में लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दरअसल ये पोस्टर कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में लगाया गया है। और आप देखिए किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जहां पर उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों में हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच अब इस पोस्टर पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर ये पोस्टर लखनऊ में लगाए हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे अब नारे लगने लगे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर एजेंडा समाजवादी पार्टी का सेट नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स पूरी तरह से चरम पर है और यही वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार उसके जवाबी पोस्टर लगा रही है। इसी कड़ी में एक नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें पीडीए का जिक्र किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद से ही लगातार अब राजनीति तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में अलग अलग पोस्टर सपा के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कभी किसी पोस्टर में लगातार ये कहा जा रहा है कि पीडीए एकजुट रहेगा और ना बटेंगे ना कटेंगे, ऐसे में अब एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें जिक्र किया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या नाम है, राम बालक साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ। तो हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट आपने देखी। इन सब के बीच उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी जनता से जुड़ने की अपील कर रही है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि तोड़ने वाले जोड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि पीडीए जुड़ गया है, पीडीए अपने आरक्षण को लेकर जुड़ गया है, रोजगार को लेकर जुड़ गया है, अधिकार को लेकर जुड़ गया है, किसान और मजदूर जुड़ गया है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी फसल को लेकर, जवान जो अग्निवीर जैसी योजना है उसको लेकर जुड़ गया है, तो सब जुड़ गए हैं। पीडीए जुड़ गया है, जनता जुड़ गई है, इसलिए न जनता बटने जा रही न कटने जा रही, जनता जुड़ने जा रही और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हराने जा रही है। तो आज जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के बाहर जो पोस्टर लगा है, जो दूसरे भी पोस्टर लगे हैं, उनका संदेश साफ है कि जुड़ेंगे, पीडीए जुड़ेगा, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो एसपी और बीजेपी की तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। जीन